मुंबई जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग में जो चार लोगों की मौत हुई थी उसमें चौथे शख्स की पहचान नहीं हो पा रही थी, अब उसकी पहचान हो गई है और पता चला है कि वो मोहम्मद सैफुद्दीन उनका नाम था और वो हैदराबाद के रहने वाले थे। उनके परिवार को जब सूचना मिली तब उनका परिवार जो है कि यहाँ फ़िलहाल मुंबई में आया हुआ है और परिवार के साथ साथ वहाँ के AIMIM के नगर सेवक आरिफ रिजवान भी आए हुए हैं और बाकी सहयोगी आए हैं ताकि उन्हें सहयोग कर सकें, क्योंकि परिवार इस समय दुख में है, कठिनाई में है, तो उनको मदद करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए फ़िलहाल वहाँ के नगर सेवक जो यहाँ पर आए हैं मदद के लिए आरिफ रिजवान जी हैं। सर, आप लोग जो है कि सैयद सैफुद्दीन जो हैं उनके परिवार की मदद करने के लिए यहाँ आए हैं, उनके शव को ले जाने के लिए, ये सूचना आप लोगों को कब मिली और कैसे आप लोग का यहाँ पर आना हुआ? जी, मैं कॉरपोरेटर रेडियस डिवीज़न हैदराबाद से, जो GHMC कॉरपोरेशन है, मैं यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है हिदायत पर यहाँ आया हूँ। जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब जो MLA हैं उस हलके के, उनके साथ इनके सारे परिवार को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। जैसा ही कल हमको 2:30 बजे जब पता चला, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो दिल्ली से हमें कॉल कर बताया, तो तुरंत हम लोग उनके घर पर पहुँच गए और उनके फैमिली के लोगों के साथ वक्त गुजार कर उनको यहाँ पर मुंबई लेकर आए ताकि आगे के फॉर्मेलिटीज़ कर यहाँ से बॉडी को लेकर जल्द से जल्द ले जा सके। तो सैफुद्दीन को आप व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं पर्सनली? सैफुद्दीन चूँकि वो मेरे ही एरिया से बिलोंग करते हैं, जो ए बैटरी लाइन बाजारघाट से है, वहाँ पर सैफुद्दीन वहाँ पर करीब 12 साल से रहते हैं। ये एक मोबाइल शॉप में काम करते थे, एज एन रिपेयर शॉप जो होती है उसमें काम करते थे। तो ये इनके बॉस के साथ अजमेर के लिए ये लोग गए थे, रिटर्न फ्लाइट का इनका टिकट नहीं मिला, तो ये लोग ट्रेन से पहले पहुंच जाएंगे, उसकी वजह से ट्रेन में आए, उसके साथ आप जो है ये हादसा देखे हैं। ये परिवार से आपकी बात हुई, उनके क्या बताया उन्होंने, क्या जानकारी मिली है, किस तरह से हादसा हुआ, सिपाही ने उनको क्यों टारगेट किया जबकि उसका झगड़ा ऐसा ही से था? नहीं, परिवार वालों से बात हुई, उसके बाद यहाँ आने के बाद जो उनके जो ओनर थे, शॉप के ओनर के ओनर थे, उनके लड़के से मेरी जो है मुलाकात हुई, हमारी यहाँ मुलाकात हुई। उन्होंने ये बताया कि वो जो पुलिस का जो रेलवे का जवान था उसने बाज़ब्ता आइडेंटिटी देखकर, नाम पूछकर इन्होंने जो है सब जो है शूट किया। अच्छा, मतलब बाकायदा पहचान करके नाम पूछ के फिर उससे नाम पूछ, इनके जो स्टेटमेंट है जिससे मुझे जो ओनर है इनकी शॉप के ओनर के जो बेटे हैं उन्होंने यहाँ पर आने के बाद ये बताया कि ये वहाँ पर जाकर आदमी को उठाकर इनको इनके चेहरे को देखकर इनका नाम पूछकर इनको दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाकर उनको शूट किया। क्यों ये बताया उन्होंने, क्या हुआ था, क्यों ले गया? नहीं, क्यों क्यों बोल के तो वो बताया नहीं, मगर आकर जो है जैसा कि वो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो सारी बातें बता रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि कितनी तासुबियत जो है आज डिपार्टमेंट में भी हो रही है, जिसका सबसे बड़ी जो है आपके सामने एक मिसाल है। और सीधे कई लोग वहां पर थे जिसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया और एक आदमी जिसको दाढ़ी है उसको नाम पूछकर जो है उसको शूट किया। ये परिवार में कौन कौन है उनके, सैफुद्दीन? उनके सैफुद्दीन के परिवार में कोई नहीं, सिर्फ उनकी एक वाइफ है और 3 लड़कियां हैं जो बिल्कुल मासूम हैं। एक 6 महीने की लड़की है, एक 2.5 साल की और एक 6 साल की है। इनके मदर और फादर का दोनों का डेथ हो चुका है और इनके 2 छोटे भाई है। एक छोटे भाई मेरे साथ आए हैं और दूसरे छोटे भाई जो कर्नाटक में ये लोग का जो फैमिली जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर है दूसरे छोटे। ये अब आप लोग चाहते हैं क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह की मदद चाहते हैं या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, मॉनेटरी बेनिफिट जो होते हैं, जैसे कंपनसेशन, क्योंकि डेथ का कोई आदमी का दुनिया से जाने के बाद उसका बदल तो मिलता ही नहीं, मगर कम से कम वो जो मासूम बच्चे हैं वो लोगों के उनको जो है आगे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए और ऐसे ज़माने में उनकी जो वाइफ है उनको भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, चूँकि शी इज़ एजुकेटेड, वो एजुकेटेड है, उनको भी जो है गवर्नमेंट जॉब दी जाए ताकि वो अपनी फैमिली को जो है सर्वाइव कर सके। अभी तक की जो जांच हुई है, रिमांड देखें, FIR देखें, तो उसमें कहीं इस तरह की बात नहीं है। उसमें यही बताया गया कि जो SI टीकाराम थे उनसे उसका झगड़ा हुआ, वो जाना चाह रहा था, उन्होंने मना किया और उसके बाद ये गोलीकांड हुआ, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जाँच सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही?
नहीं देखिए, ये तो मेरे को जो शॉप के ओनर के जो बेटे हैं जिन्होंने बताया सारा वहाँ का जो किस्सा है, अभी मेरी वो शॉप के जो ओनर थे उनसे मेरी मुलाकात हुई नहीं, वो यहीं पर है, उनसे मुलाकात होंगी तो हकीकत सारी सामने आएंगी। अभी उनके जो बेटे ने जो पूरी सारी वहाँ की जो बात बताई, मैंने आपको वो बात बताई है। अब इसकी जो असल जो है, जब इंक्वायरी शायद गवर्नमेंट कर रही है और सारे वीडियोज़ भी बता रहे हैं, इसके बाद जो है उसके अंदर क्लियर आपको मालूम हो रहा है और सुन देख सकते हैं कि जो है आपको किस तरीके से जो है पुलिस का जवान जो है बोल रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसके पीछे यही एक मकसद हो सकता है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर जिस तरह का हत्याकांड हुआ है उस पर सवाल उठा है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जवान जो है मेंटली डिस्टर्ब है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ड्यूटी पर उसका उसके ASI टीकाराम से झगड़ा हुआ था, इसीलिए वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अगर झगड़ा टीकाराम से था, अपने SI से था, तो उन्हें गोली मारी उसने, तो बाकी जो पैसेंजर थे, यात्री थे, उनको चुन चुन कर क्यों मारा, ये सवाल अभी बना हुआ जिसका जवाब अभी तक न तो सरकार के पास है न तो जाँच एजेंसी GRP के पास। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।